नमस्कार, अलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के 411 पदों हेतु एक बार पुनः भर्ती आ गई है। पहले की ही भांति टीम परीक्षा प्लस सफलता का परचम लहराने के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको मिल रहे हैं सारे के सारे लाइव क्लासेस। इसके साथ ही आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अद्यतन नोट्स की ईबुक, इसके साथ ही आपको 10 टेस्ट की टेस्ट श्रृंखला दी जा रही है। कोर्स से जुड़ने के लिए 50% फ्लैट ऑफ के साथ परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से आज ही आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दिए हुए नंबरों पर कॉल कर लें। हाय स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज देखिए, जो एक नई भर्ती के लिए जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है आधुनिक भारत के इतिहास में, वो है 1857 क्रांति, यानी कि हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी और हाईकोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो उसमें समझिए 1857 की क्रांति, यानी आधुनिक भारत का इतिहास सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, उसका पार्ट स्टार्ट हो रहा है 1857 की क्रांति, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है उसको हम पढ़ाएंगे, और ये समझिए 1857 की क्रांति। अब यहाँ से समझिए कि स्टार्ट होने का मतलब क्या है, कि बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछता है, और कैसे क्वेश्चन आता है इसमें तो आप देखते जाइएगा। इसको 57 की क्रांति है, जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो क्रांति का अपने आप कोई क्रांति उत्पन्न नहीं होती है, तो क्रांति का कारण क्या है ध्यान दीजिएगा। बिना कारण का कुछ होता नहीं है, बिना कारण का आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो कारण क्या था, कारण में अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो कारण में सबसे पहले आप देखेंगे राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। फिर जब क्रांति पढ़ रहे हैं, क्रांति पढ़ रहे हैं, फिर आप आएंगे सैनिक कारण, सैनिक कारण। फिर क्या है? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। फिर है सामाजिक कारण। समाज में ही धर्म छुपा है, समाज में ही, समाज ही बताता है आप किस धर्म के हैं, कौन सा धर्म क्या है, समाज की रीति रिवाज के अनुसार धर्म पड़ा। इसको तीन भागों में, चार भागों में बांटे हैं। तो राजनीतिक कारण का तात्पर्य क्या है ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक तात्पर्य कारण का तात्पर्य क्या है, इसको हम एक एक करके, राजनीतिक कारण क्या है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है राजनीतिक कारण क्या है। पहले यानी 57 की क्रांति से पहले क्या अंग्रेज भारतों के साथ क्या क्या ऐसा किए थे कि एक कारण बना कि विद्रोह पैदा हुआ, ठीक, राजनीतिक कारण में। अब सैनिक, सैनिकों के साथ क्या बर्बरता अंग्रेज किए थे कि, तो किस सैनिक कारण हुआ, आर्थिक कारण। अब भारत के साथ आर्थिक व्यवस्था क्या किए थे अंग्रेज कि 1857 की क्रांति हुई। सामाजिक कारण, समाज में कैसी कुरीतियां लाए थे कि एक 57 की क्रांति उत्पन्न हुई। आइए बारी बारी से एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके देखिए, यहां पर दिख रहा होगा क्रांति, क्रांति का कारण, क्रांति के कारण, क्रांति का स्वरूप, क्रांति का परिणाम। अब यहां से देखिए, आप यहां से देखिएगा, क्रांति का कारण, क्रांति के कारण में बताए थे आपसे राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। फिर उसके बाद क्रांति का स्वरूप, स्वरूप से भी क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रांति हो रही थी, 57 की क्रांति थी, इसका नेचर क्या था, इसका नेचर क्या था, यानी कि इसकी प्रकृति क्या थी, इसका स्वरूप क्या था, इसका स्वरूप क्या था, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जो राइटर हैं, जो राइटर हैं, चाहे भारतीय राइटर हों चाहे विदेशी राइटर हों, इसको क्या क्या कहे हैं। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा था सैनिक विद्रोह है, किसने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यहां से क्वेश्चन स्वरूप का। अब परिणाम देखिए, परिणाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिणाम में क्या है कि क्रांति का परिणाम जब होता है, परिणाम यानी युद्ध समाप्त हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम, परिणाम से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे क्राउन का शासन, यानी कि यहां से 1857 में जब क्रांति समाप्त होती है 58 में, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में ये 1858 का एक्ट बनता है, भारत शासन अधिनियम आता है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि अब कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन दे दिया जाएगा, यानी कि देखिए परिणाम यह हुआ, कुल मिला के
ऐसा नहीं था कि जो अब क्राउन आ गई शासन करने हमारे ऊपर तो हम पे शोषण नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुखौटा चेंज हो गया, मुखौटा चेंज हो गया भारतीयों को बहलाने के लिए। ये हो गया कि अब हम आपके ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं, अब कंपनी बहुत आप लोगों के साथ अत्याचार की, हम अब आपको लूटेंगे, अब हम आप पे शासन करेंगे। ये हुआ तो इसका देखिए एग्जैक्ट डेट पूछता है 1 नवंबर 1858 को। किसने जारी किया था, कौन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा गया था, इसमें का परिणाम और क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तो वो सब हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इस समय 1857 के समय, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटे एकदम कुल मिला के हम एकदम क से स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति। कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे बनता है और कैसे बनेगा देखिएगा। गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा भारत के गवर्नर जनरल हैं, स्ट्रक्चर आप समझिएगा। अगर वायसराय पूछे तो ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति के समय वायसराय नहीं था। क्यों? क्योंकि 1858 के एक्ट के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। इसलिए देखिए हम लिखे 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनिंग था। ध्यान दीजिएगा लॉर्ड केनिंग था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पार्मस्टन था। क्रांति का चिन्ह क्या था, ध्यान दीजिएगा क्रांति का जो निशान था, जैसे मान लीजिए एक क्रांतिकारी दूसरे यहां जा रहे हैं वो क्या दिखाएंगे, क्या पहचानेंगे कि हम भी क्रांतिकारी हैं, रोटी और कमल, कई बार एग्जाम में आया हुआ है 1857 का निशान क्या था, तो रोटी और कमल। 57 के समय ध्यान दीजिएगा यहां पे 57 के समय 1857 की जब क्रांति होती है तो इस समय भारत का सम्राट कौन होता है, भारत का सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब क्यों थे सभी लोग, जब 57 की क्रांति शुरू होती है एक एक हम बताएंगे। 10 मई 1857 ईस्वी को दिन रविवार रहता है जब शुरू होता है क्रांति, 57 की क्रांति कहां से, मेरठ से, मेरठ से शुरू होता है। तो 11 मई को जो क्रांतिकारी नेता थे पहुंच जाते हैं दिल्ली, दिल्ली 11 को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर को भारत का नेतृत्वकर्ता बताते हैं। यानी 57 की क्रांति का अगर क्वेश्चन आ जाए कि 57 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे। जब इनको गए बनाने लोग तो ये कहे कि हम राजा नहीं बन सकते क्योंकि हमारी एज हो चुकी, एज इनकी 80 वर्ष थी। अब इनको लोग कहें आपका भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कारण में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था इनका, बहादुर शाह जफर का। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो थे लाल किले से, ध्यान दीजिएगा बहादुर शाह जफर को डलहौजी क्या किए, लाल किले से हटाकर कुतुब मीनार में भेज दिए कि अब आप लाल किले में नहीं रह सकते, अब आप राजा नहीं बन सकते, राजा नहीं है। कौन कहा, डलहौजी का, डलहौजी ने लाल किले से हटा करके बहादुर शाह जफर को कहां भेज देता है, तो हुमायूं के किले में, हुमायूं के किले में। इसी हुमायूं के किले से इनको क्वेश्चन आता है कहां से इनको गिरफ्तार किया गया, तो हुमायूं के किले से गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया जाता है। आइए अब एक एक करके कारण में देखते हैं, कारण में देखिएगा यहां पे 57 की क्रांति का कारण, राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ध्यान दीजिएगा यहां पे सहायक संधि, अब यहां पे देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए सहायक संधि का भारत में जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता, जन्मदाता डुप्ले हैं, ठीक डुप्ले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे काम कौन किया, तो लॉर्ड वेलजली किया, जिसको बंगाल का टाइगर बोला जाता था, ठीक ना, लॉर्ड वेलजली। एक एक करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सहायक संधि, अगर क्वेश्चन आए सहायक संधि कौन क्यों करता है सहायक संधि, लॉर्ड वेलजली, वही वेलजली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया था, टीपू सुल्तान को मार दिया था, सहायक संधि। यहां से देखिए क्वेश्चन आता है
कि लॉर्ड वेल्जली के अनुसार या लॉर्ड वेल्जली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया। अब देखिए यहां से आपको सीक्वेंस में याद करना है। कैसे आप याद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि वेल्जली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन थी? तो हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद के निजाम। अब यही सहायक संधि जब टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की, ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। एचएमटी घड़ी कंपनी है, एचएमटी, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक, ए पी बी, ठीक ना, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ठीक, बरार। अगर आपको ईयर ना याद हो तो ईयर कोई बात नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये भी बहुत बड़ा राजनीतिक कारण में था, यानी कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि अब आपके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अब आपकी जमीन हम लेकर के, रियासत हम लेकर के आपके ऊपर शासन करेंगे, आपको जो खर्चा पानी चाहिए हम देंगे, ठीक। सबसे पहले सहायक संधि, राजनीतिक कारण में पहला जो है सहायक संधि। अब देखिए दूसरा कारण क्या, दूसरा राजनीति का दूसरा क्या है, डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि हड़प नीति भारत में कौन चलाया था, लॉर्ड डलहौजी चलाया था। यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, ये सब कारण में था, सब लोग इनसे परेशान हो गए थे अंग्रेजों से। देखिए सतारा, सबसे पहले सतारा 48 में, इस सन आप याद रखिएगा, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक, यहां से कैसे आप याद रखेंगे, सबसे पहले सतारा और अंतिम में नागपुर, ठीक। अगर आपको सीक्वेंस याद हो जा रहा है तो आपका एक क्वेश्चन सभी लोगों से बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कोई भी एग्जाम हो है तो उसका ट्रेंड चल रहा है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, ठीक ना। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, अंतिम में नागपुर। ध्यान दीजिएगा हम अवध का नाम अभी नहीं लिए हैं, क्यों, अवध को कैसे मिलाया था, अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली साहब पे डलहौजी क्या किए, कुशासन का आरोप लगा करके 1856 को अपने कब्जे में ले लेते हैं, कौन, डलहौजी ले लेते हैं। देखिए आइए और क्या किए डलहौजी, दत्तक पुत्र प्रथा समाप्त किए, दत्तक पुत्र प्रथा समाप्त करते हैं। तो नाना साहब क्या करते हैं, इन पे विद्रोह कर देते हैं, 1857 क्रांति में नाना साहब विद्रोह कर देते हैं। अवध को कुशासन के आधार पर समाप्त किए, यानी कि अवध को क्या हड़प नीति के तहत विलय किया गया, नहीं, कुशासन के आधार पर, यानी कि आप अच्छे तरह से शासन नहीं कर रहे हैं उसके आधार पर विलय कर लिया गया। दूसरा देखिए, मुगल बादशाह को लाल किले से हटा करके कुतुब मीनार में रहने के लिए मजबूर किया, कौन, डलहौजी, कौन मजबूर करता है, डलहौजी। अब देखिए यहां पे देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए, कुछ आपको नया मिल रहा होगा, आप भले पहले का पढ़े हैं, थोड़ा सा नया आपको मिल रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां समाप्त कर दिया, किसने समाप्त किया, डलहौजी ने, यानी तंजौर और कर्नाटक, देखिए हड़प नीति के तहत क्या किए, उनको हड़पे नहीं, इतना कर दिए कि इन दोनों की नवाब की उपाधियां समाप्त कर दिए डलहौजी। अब आइए आर्थिक कारण में, सरकार द्वारा जमीन को जब्त करना आर्थिक कारण में, राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण में आर्थिक शोषण इतना ज्यादा हो रहा था, इतना ज्यादा आर्थिक शोषण भारतीयों का हो रहा था कि समझिए विलियम बैंटिंग ने कहा कि भारत का मैदान सूती वस्त्र बुनकरों का अस्थि पंजर है। ये कमेंट कई बार आया है विलियम बैंटिंग का, ठीक ना, विलियम बैंटिंग का कई बार कमेंट आया है कि किसने कहा है भारत का मैदान सूती वस्त्र के बुनकरों का अस्थि पंजर है, तो विलियम बैंटिंग साहब कहे हैं। यही समझिए भारत के अंतिम, इस विलियम बैंटिंग, ये समझिए कि ये भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। कौन? इन्हीं के समय। अब देखिए, इनाम कमीशन की स्थापना हुई 1856 ईस्वी में। इनाम कमीशन की स्थापना हुई, इसमें क्या हुआ? यानी कई बार क्वेश्चन आया है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। अब आइए सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक सेनाओं में कटौती किए। पहले क्या होता था, दो संबंधी एक के अनुपात में सैनिक रहते थे, और सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे? अवध के थे। 57 की क्रांति से पहले, यानी कि सबसे ज्यादा सैनिक किस रियासत के थे? तो अवध के। इसीलिए अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने विलय कर लिया। अब देखिए, प्रथम सैनिक घटना, सैनिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बेल्लोर है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेल्लोर की घटना कब होती है? तो 1806 ईस्वी में होती है। क्यों होती है, इसमें ध्यान दीजिएगा। बेल्लोर की घटना यानी सैनिक कारण बता रहे हैं। 1857 में सैनिक के ऊपर क्या बर्बरता किया गया कि यह भी कारण बन गया घटना में, क्या बन गया? अब देखिए, इसमें यह था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख आपस में फूट डालें, हिंदू मुस्लिम सिख पे फूट डालें। ध्यान दीजिएगा कैसे फूट डालते हैं। ये कहें कि एक विशेष प्रकार की पगड़ी, ये नहीं कहें सिख ना पहने, यानी एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने पे प्रतिबंध लगा दिए। आप सेना में हैं तो पगड़ी नहीं पहन सकते, ठीक। यहां पे इनको सिख को दुखी किए। फिर कहें कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, मुस्लिम को दुख किए, इस्लाम धर्म को दुख किए। फिर आप सैनिक में हैं तो तिलक नहीं लगा सकते, यानी कि तीनों दुख सैनिक भारतीय सैनिकों के पहुंचाए और ये विद्रोह का कारण बन गया। देखिएगा यहां से, आपको यहां पे आपको करना क्या है कि प्रथम सैनिक घटना कब घटती है, विशेष प्रकार की पगड़ी, दाढ़ी व तिलक लगाने के विरुद्ध भारतीय सेनाओं में विद्रोह हो गया, वो कौन सी घटना थी? तो वेल्लोर की घटना थी, ठीक, बेल्लोर की घटना थी। अब सैनिकों का द्वितीय घटना 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ, ठीक ना, बैरकपुर छावनी में। इसमें क्या कहा गया, क्यों विद्रोह हुआ? इसमें यह कहा गया कि अब भारतीय लोग समुद्र यात्रा कर सकेंगे। समुद्र यात्रा का तात्पर्य क्या है कि एक वेतन पे बिना दोहरा भत्ता, दोहरा वेतन बढ़ाए, अब सेना को भारत से दूसरे म्यांमार में भी, मालदीव में भी, विदेश भी भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझिए धर्म के भी खिलाफ था, यानी कि ये माना जाता था पहले कि अगर हम समुद्र यात्रा करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये समाज धार्मिक कारण भी आ सकता है। और दूसरा कारण क्या था, वेतन कम देना, यानी एक वेतन पे दोहरा काम लेना, ये कम मांग कर रहे थे दोहरे भत्ते की, जो नकार दी, ये भी बहुत बड़ा कारण था। अब डाकघर अधिनियम 1854, इसको अपडेट याद रखिएगा, डाकघर अधिनियम आता है 1854 में। क्यों आता है? डलहौजी लाए थे। इससे पहले क्या था, जो सेना थे, भारतीय सेना थे, इनको निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क डाक व्यवस्था थी, इनको निःशुल्क डाक व्यवस्था की गई थी। लेकिन डलहौजी भारतीय डाक अधिनियम 1854 में जब लाते हैं, कहते हैं नहीं, अब हमको आपको बिल्कुल फ्री नहीं दे सकते, अब आपको 2 पैसे प्रतिपत्र पे आपको देना पड़ेगा, जिससे सैनिकों में विद्रोह हो गया। ये सब कारण आपका है, सैनिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। अब आइए सामाजिक का, तात्कालिक कारण। कई बार क्वेश्चन आता है, तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण में सबसे बड़ा फैक्टर है चर्बी युक्त कारतूस। ध्यान दीजिएगा, चर्बी युक्त कारतूस की घटना कहां घटती है? बैरकपुर में, ठीक ना। इसी बैरकपुर के मंगल पांडे सिपाही थे। कहां घटती है? बैरकपुर में, चर्बी युक्त घटना। अब ये कहा जाता है, क्यों ये अफवाह फैला दिए, कहते थे कि जो कारतूस लगता था उस पे जो लेप लगता था वो गाय और सुअर की चर्बी उस पे लगा हुआ है। तो इसमें समझिए भारतीय सेनाओं में समझिए कि एक आक्रोश हो गया। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम सेना है वो समझिए कि वो भी नहीं लगा सकते, खोल सकते मुंह से उसका क्लिप, और हिंदू सेना है वो भी नहीं कर सकते, ठीक, ये भी विद्रोह हो गया।
चर्बी युक्त की घटना जो घटती है 29 मार्च 1857 ईस्वी को, बस मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की 34वीं एनआई रेजिमेंट रेजिडेंट में घटित होती है। ध्यान दीजिएगा 34वीं। हमेशा एक क्वेश्चन आता है, अभी समझिए, एग्जाम हुआ टीजीटी पीजीटी दोनों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और समझिए हाईकोर्ट आर ओ आर ओ में तो हमेशा कई बार आप सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसे देखिए, इसका बताने का तात्पर्य यह है कि मंगल पांडे किससे जुड़े थे, बैरकपुर से जुड़े थे, किस छावनी से रेजिडेंट से जुड़े थे, 34वीं एनआईए रेजिडेंट से जुड़े थे। अब देखिए मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिडेंट के सैनिक थे, कहां किसके सैनिक थे, 34वीं एनआई रेजिडेंट के सैनिक थे। अब ये क्या किए थे, ये मना कर दिए थे हम नहीं करेंगे, और ये समझिए घटना जो घटित हुई थी मंगल पांडे द्वारा, मंगल पांडे ने क्या किया, कर्नल बाग की हत्या कर दी, कर्नल बाग की हत्या कर दी और ह्यूरसन को गोली मार दिया, गोली मार दिया। ध्यान दीजिएगा कर्नल बाग की हत्या किसने किया, तो मंगल पांडे किए। जब मंगल पांडे को जब गिरफ्तार किया जाता है, इनकी फांसी की डेट पूछती है, ठीक ना, फांसी की इनकी डेट पूछती है 8 अप्रैल 1857। ध्यान दीजिएगा 58 बिल्कुल मत लगाइएगा, 57 को ही। अभी सोचिए कि अभी विद्रोह शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही, ये सब कारण बता रहे हैं, अभी उससे पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती, ये डेट आप याद रखिएगा, ये डेट भी याद रखिएगा। और 8 अप्रैल 1929 की भी डेट याद रखिएगा, जब भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंके थे, किसके साथ, बुटकेश्वर दत्त के साथ, 8 अप्रैल 1829 को, ठीक, ये डेट भी आप याद रखिएगा। और 17 जून 1858 की भी डेट आप याद रखिएगा, इसी दिन झांसी की रानी शहीद हुई थी, इसी दिन, ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब आइए आप विद्रोह का प्रारंभ, अब ध्यान दीजिएगा विद्रोह का प्रारंभ कहां से होता है, पहला क्वेश्चन, विद्रोह का प्रारंभ कहां से होता है। 10 मई 1857 को मेरठ की 20वीं एनआई टुकड़ी, जो सैनिकों, जो मेरठ में जो रेजिडेंट की टुकड़ी थी उसका टुकड़ी, बैरकपुर का जो रेजिडेंट था वो था 34वीं, मंगल पांडे उसके सिपाही थे, जो मेरठ की घटना होती है, मेरठ, मेरठ 20वीं एनआई टुकड़ी द्वारा 10 मई, डेट आप याद रखिएगा 10 मई, और 11 मई को दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, कौन, भारतीय सेना अधिकार करके 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित करते हैं, विद्रोह का नेतृत्व सौंपते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, भारत का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर किए थे। दिल्ली का कौन किया था, दिल्ली का यही किए थे, दिल्ली का भी यही किए थे। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्थान यानी कि दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में नेतृत्व, भारतीय नेतृत्व कौन किया था और कौन दमन किया था, कौन इसका दमन किया था, यानी कि दिल्ली में दमन कौन किया था, कानपुर में दमन कौन किया था और इलाहाबाद में दमन कौन किया था। ये सब क्वेश्चन आपका बहुत बार क्वेश्चन ही आता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको रटना है और समझना है, ठीक ना, रटना है और समझना है, दोनों करना है। समझना क्या है, बार बार पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, अब वही समझ, जब समझ गए तो वही रट गया आपको, ठीक। अब आइए विद्रोह, देखिए यहाँ पे एकदम जैसे क्वेश्चन बन रहा है वैसे ही समझिए, यहाँ पे फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, विद्रोह का स्थान और नेतृत्वकर्ता, यहां पे देखिए स्थान, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, दमनकर्ता कौन कौन है, ठीक ना, दमनकर्ता यानी कि जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कानपुर, एक स्थान हो गया कानपुर, कानपुर का नेतृत्व कौन किया, नाना साहब किए, इसको दमन कौन किया, कैंपबेल किए, ठीक। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेतृत्वकर्ता दिल्ली, सबसे पहले ये दिल्ली, दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन है, ठीक ना, दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। विद्रोह का दमन किसने किया, तो हडसन द्वारा, हडसन ने दमन किया और इनको कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया और इनके पुत्र को और इनके फैमिली को गोली मार करके हत्या कर दिया, कौन, हडसन, दिल्ली में हडसन, ठीक।
अब विद्रोह के समय मारे गए अंग्रेज, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन निकल्सन मारा गया। दिल्ली विद्रोह का वर्णन कौन किया है? दिल्ली विद्रोह का वर्णन भारत के मशहूर शायर मिर्जा गालिब किए हैं, ठीक ना, मिर्जा गालिब, यानी दिल्ली के विद्रोह का आंखों देखा वर्णन कौन किया है? मिर्जा गालिब किए हैं। अब आइए लखनऊ में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ में, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व किसने, सोचिए, इसी में से अभी समझिए कि एग्जाम हुआ तो एक क्वेश्चन आया और उसी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन ए आया, यानी कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, अब दिल्ली को दबाया किसने था, यानी दिल्ली नेतृत्व का दमन किसने किया था, तो हटसन। अब देखिए भारतीय नेतृत्व, यानी कि लखनऊ का नेतृत्व भारत की कौन सी नेत्री की थी, तो बेगम हजरत महल की ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। अब नेतृत्व को दबाया किसने, नेतृत्व को दबाया कैंपबेल ने, ठीक ना, नेतृत्व को दबाया कैंपबेल ने। और बेगम हजरत महल के उत्तराधिकारी कौन थे? बिरगिज कादिर थे, बिरगिज कादिर थे। अब यहां पे आप नोट करके, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो कैंपबेल साहब हैं, जो कैंपबेल हैं, कैंपबेल देखिए लखनऊ का नेतृत्व दबाते हैं, कानपुर का दबाते हैं, फैजाबाद का दबाते हैं, बरेली का दबाते हैं, इस चार नेतृत्व दबाने वाले कौन हैं? तो कैंपबेल साहब हैं। आप नोट कर लीजिएगा एक जगह, ठीक ना, कैंपबेल, ठीक। मेनली आपको दबाने में तीन या चार लोगों का पढ़ना है, कैंपबेल का, चार लोगों का खुद दबा चुके हैं, हडसन दिल्ली का दबा चुके, और इलाहाबाद का और बनारस का, इलाहाबाद का और बनारस का दोनों कर्नल नील दबाते हैं, ठीक। एक एक करके आइए देखते हैं, कानपुर, अब ध्यान दीजिएगा, कानपुर, कानपुर का जो नेतृत्व करता थे वो थे नाना साहब, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोंधू पंडित था। अब देखिए ये किस लिए लड़ रहे थे, एक इनका कारण क्या था, देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हैं, पेंशन की मांग कर रहे थे। क्यों पेंशन की मांग कर रहे थे? आपसे बताए थे डलहौजी क्या किया था, दत्तक पुत्र प्रथा समाप्त कर दिया था। ये दत्तक पुत्र किसके माने जाते थे? बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय कौन थे? अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा का पद समाप्त किया था। तो अंतिम पेशवा के उत्तराधिकारी ये माने कि हम उनके दत्तक पुत्र हैं, अंग्रेज हमको पेंशन दें, क्या दें? पेंशन दें, और पेंशन देना बंद कर दिए डलहौजी, तो इसी कारण से विद्रोह हो गया। अब देखिए बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, यानी कि अंतिम पेशवा के ये दत्तक पुत्र माने जाते थे। अब विद्रोह का दमन करता कौन थे? कैंपबेल थे। विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल थे। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाना साहब के सेनापति, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो नाना साहब के सेनापति कौन थे? नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे थे। कौन थे नाना साहब के सेनापति? तात्या तोपे। तात्या तोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कई बार क्वेश्चन आया है, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वास्तविक नाम कभी कभी पूछता है और जो उपनाम है वो पूछता है, पूछे कई बार पूछा है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखिए नाना साहब के मंत्री कौन थे? अब ध्यान दीजिए, सेनापति हो गए, मंत्री कौन थे? अजीमुल्ला, नाना साहब के मंत्री कौन थे? अजीमुल्ला थे। अब तात्या तोपे को फांसी दे दी गई, ध्यान दीजिएगा किसको फांसी दी गई और कौन भारत छोड़कर के नेपाल, बेगम हजरत महल क्या करती हैं? भारत छोड़कर के नेपाल चली जाती हैं और तात्या तोपे को फांसी दे दी जाती है। अब फांसी देने का बहुत बड़ा कारण क्या है? इनके दोस्त थे, मित्र थे मान सिंह, मान सिंह ने इनको धोखा दिया और अंग्रेजों को बुलाया और अरेस्ट करवाया और इन तक फांसी दे दी गई, और समझिए अंततः नाना साहब भी नेपाल चले गए। ध्यान दीजिएगा नाना साहब को फांसी नहीं होती है, नेपाल चले जाते हैं। अब देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद का नेतृत्व करता लियाकत अली थे। कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लियाकत अली। और दबाया कौन? कर्नल नील, आपसे बताए थे कर्नल नील। अब आइए फैजाबाद, फैजाबाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर सुन लीजिए, फैजाबाद का जो नेतृत्व करता है मौलवी अहमदुल्ला हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे अंग्रेज कांपते थे, अंग्रेज कांपते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए
1857 के विद्रोही में सबसे ज्यादा बड़ा अंग्रेजों का दुश्मन कौन था? तो अजीम मौलवी अहमदुल्ला थे। क्यों? क्योंकि ये समझिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दिए थे। क्या किए थे? जिहाद की घोषणा, जैसे बाबर ने किया था पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा। तो ये भी समझिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला थे, ये जिहाद की घोषणा कर देते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। जब जिहाद की घोषणा कर देते हैं तो अंग्रेज समझिए कि इनके सर के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रख देते हैं। जिंदा या मुर्दा जो मौलवी अहमदुल्ला का सर लाएगा उनको हम 50,000 रुपया देंगे। आइए देखिए, दमनकर्ता कैंपबेल है फैजाबाद के भी, विद्रोह में जिहाद की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मौलवी अहमदुल्ला है। मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद की घोषणा कर दिया। जिहाद का तात्पर्य क्या है जानिए, सोचिए, जिहाद की घोषणा किसी के खिलाफ भी किया जा सकता है, यानी कि हम मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर आपसे अपना हक पाने के लिए, ठीक, वही जिहाद है। यानी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मौलवी अहमदुल्ला है। अंग्रेजों को हराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो हैदर अली है। हैदर अली है अंग्रेजों को सर्वप्रथम हराने वाला व्यक्ति कौन है? तो हैदर अली है। मैसूर के प्रथम युद्ध में हराया था। और प्रथम मुस्लिम को हराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भीम द्वितीय है। किसी भी तुर्क या किसी भी मुस्लिम बादशाह को हराने वाला प्रथम व्यक्ति भीम द्वितीय है, ठीक। अब देखिए, मौलवी अहमदुल्ला पर सरकार ने 50,000 रुपए के इनाम घोड़ा के। यह मूलतः अलकाट के रहने वाले थे। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला। ये लखनऊ से, अवध से, उत्तर प्रदेश, इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक। अब 5 जून को पवाया में इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई फैजाबाद में, ठीक। अब देखिए बरेली या बुंदेलखंड या रोहेलखंड। अब देखिए यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन है? खान बहादुर खान या बख्त खान। अब ये क्या कहिए, बरेली में मुगल के सेनापति, मुगल के वायसराय के रूप में कौन शासन करता था बरेली में? तो खान बहादुर खान। ये मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह थे, उनके वायसराय के रूप में दिल्ली में और बरेली में काम करते थे, ठीक। यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे? और दमनकर्ता कैंपबेल थे। अब देखिए यहां पे खान बहादुर खान थे मुगल बादशाह के वायसराय के पद पर थे। किस पद पर थे? वायसराय के पद पर थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है वायसराय के पद पे कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। इनका नाम क्या था? बख्त खान था। और क्वेश्चन पूछता है इनका, खान बहादुर खान के, कि इनको फांसी दी गई या आजीवन कारावास हुआ, तो इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक। अब आइए जो आपसे बताए थे 57 की क्रांति, और देखिए बनारस का अभी कुछ और है। बनारस का कर्नल नील ने दबाया था। इलाहाबाद का भी लियाकत अली नील ने दबाया था। अब देखिए जो एक और घटना घटती है, झांसी की जो रानी झांसी, अब इनको समझिए, इनको क्या हुआ, एक ह्यूरोज, इन यहाँ का जो दमन किया झांसी में ह्यूरोज ने किया था। कौन किया था? ह्यूरोज। कब इनको मारा था? ह्यूरोज ने 17 जून 1858 ईस्वी को लड़ती हुई शहीद हो गए। तो ह्यूरोज ने कहा, इस समस्त भारत में सोए हुए लोगों में एकमात्र मर्द है कौन? झांसी की रानी को बताएं। कौन? ह्यूरोज ने कहा है, ठीक। अब देखिए स्वरूप मतलब स्ट्रक्चर, कौन क्या कहा है, ये विद्रोह क्या था। अब देखिए यहां पे विद्रोह क्या था, 57 की क्रांति का स्वरूप। भारत ब्रिटानी सत्ता के 100 वर्ष पूर्व संध्या पर या पूर्व होने पर अनेक सैनिक द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसके निम्नलिखित स्वरूप थे। अब देखिए सैनिक विद्रोह किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस और सीले सैनिक। सैनिक विद्रोह किसने किया था? कहा था कि ये जो 57 की क्रांति जो है, ये सैनिक विद्रोह का दर्जा कौन किया? सीले और लॉरेंस। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जो 1857 की क्रांति है ये सैनिक विद्रोह नहीं, ये क्या है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है।
हमको भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम आपस में षड्यंत्र कर रहे हैं कि अंग्रेज भारत छोड़कर के चले जाए। कौन कहा है? जेम्स आउटरम और टेलर ने कहा है। कौन कहा है? जेम्स आउटरम और टेलर ने कहा है। 1857 की जो घटना है, ये कैसी घटना है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र रच रहे हैं हमको भगाने के लिए। ठीक, अब किसने कहा? ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ठीक ना, किसने कहा था? धर्मांधों का। अब क्यों कि 1813 एक्ट के अनुसार अब भारत में ईसाई प्रचार होने लगे बहुत जोरों से, तो ये कहे थे कि अब हम ईसाई को बढ़ावा ना दे सके, यानी कि धर्मांध यानी हिंदू मुस्लिम मिल करके, यानी दो धर्म मिल करके ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। किसने कहा? कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध है, तो LER रीज साहब कहे हैं। ये भी विदेशी थे, इंग्लैंड के थे। अब देखिए, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा है? TR होम्स। सभ्यता और बर्बरता, बर्बरता ऐसे याद रखिए, सभ्यता बर्बरता होम्स घर, सभी घर में सभ्यता बर्बरता, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। किसने कहा? 1857 क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था, यानी सभ्य और असभ्य के मध्य संघर्ष था। क्यों कहे? कहे कि देखिए, इसमें शिक्षित वर्ग नहीं जुड़े थे, किसान वर्ग नहीं जुड़े थे और व्यापारी वर्ग नहीं जुड़े थे, सिर्फ मध्यवर्गीय लोग जुड़े थे। किसने कहा कि डिजराइली राष्ट्रीय विद्रोह है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजराइली साहब कहे हैं। विंजो नेम डिजराइली साहब कहे हैं, ये कुछ नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी डी सावरकर। कौन कहा था? वी डी सावरकर जो 1904 ईस्वी में, 1909 में ये पुस्तक लिखते हैं, और 1904 ईस्वी में ये कहते हैं कि अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं वी डी सावरकर, और ये कहते हैं कि ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब यह सुनियोजित संग्राम है, अशोक मेहता कहे हैं। यह सैनिक विद्रोह शुरू हुआ और जन विद्रोह में समाप्त हो गया। देखिए, ये कौन कहे हैं? जवाहरलाल नेहरू साहब कहे हैं। क्या कहे? ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जन विद्रोह के रूप में समाप्त हो गया। अब आइए, इतिहासकार अशोक मेहता अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबिलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, यानी कि भारत के अशोक मेहता भी हैं, जैसे डिजराइली साहब ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबिलियन में कहा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। इनकी किताब का नाम आप याद रखिएगा। ठीक, अब बीडी सावरकर की पुस्तक इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस में ये कहे हैं, ये सुनियोजित संग्राम के संज्ञा दी, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संज्ञा दिए। अब भारत सरकार के इतिहासकार अगर देखिए, क्वेश्चन आ जाए भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान है। ठीक, भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान, वही अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाले। और भारतीय इतिहासकार यानी सरकारी इतिहासकार कौन है? SN सेन। इनकी पुस्तक क्या है? 1857। ठीक ना, 1857 इनकी पुस्तक है। किसकी? SN सेन। यानी क्वेश्चन आ जाए सरकारी इतिहासकार कौन है, तो SN सेन है। विद्रोह का परिणाम, अब देखिए विद्रोह का परिणाम क्या है, परिणाम यह हुआ कि 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? घोषणा पत्र पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया भारत नहीं आती हैं, वो वहां से एक पत्र भेजती हैं जिसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। अभी इसको 1 नवंबर आप डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर को पढ़ा कौन था? अब किस स्थान पे पढ़ा गया था? स्थान था इलाहाबाद का मिंटो पार्क। कहाँ पे? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो केनिंग ने पढ़े थे, केनिंग साहब पढ़े थे। अब क्या था इसमें, एक बार सुन लीजिए, क्या था इसमें? इसमें ये था कि अब कंपनी का, भारत के ऊपर से कंपनी का शासन समाप्त करके अब क्राउन का यानी साम्राज्ञी का, क्राउन का शासन शुरू होगा, क्राउन का शासन शुरू होगा। पहली घटना। दूसरी घटना क्या है?
ये कहते हैं कि जितने भी हड़प नीति के तहत हड़पे गए हैं क्षेत्र सबको वापस कर देंगे। देखिए बारी बारी से सब देखिए यहां पे। विद्रोह का परिणाम स्वरूप महारानी का घोड़ा पत्र जारी किया जिसको 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। अब डलहौजी की राज्य हड़प नीति समाप्त कर दी गई। किसके अनुसार? 1858 के एक्ट के अनुसार डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको समाप्त की गई। रॉयल कमीशन की अनुशंसा पे। रॉयल कमीशन किसके लिए था? अब बस इतना जानिए, रॉयल कमीशन सैनिकों के पुनर्गठन के लिए था। किसके लिए था? सैनिकों के गठन के लिए था। इसमें समझिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्व में 5 सैनिक भारतीय रहते थे, एक विदेशी रहते थे। अब इसके अनुसार क्या किया गया? 2 भारतीय रहेंगे, 1 अंग्रेज रहेंगे, यानी कि ऐसे मामला हो गया। ठीक, पहले क्या था कि 20% का मामला था, अब समझिए 40-50% अंग्रेज रहेंगे। गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल जो था अब वायसराय हो गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो पद समाप्त करके, देखिए नया नया कार्टून मिल रहा है, ठीक ना, अब वायसराय हो गया। अब देखिए, ये देखिए 1857 के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। 1857 सरकारी इतिहासकार एसएन सेन, ठीक, द सिपाही मिन्यूटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये है आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार क्या कहे हैं? 1857 क्रांति ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है, ना तो प्रथम है, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है। कौन कहा है? आरसी मजुमदार साहब कहे हैं, ठीक, द, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अब द राइज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी, ठीक ना, ये चौधरी साहब लिखे हैं। अब देखिए ये द ग्रेट रिबिलियन, आपको बता चुके हैं, ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता लिखे हैं, ठीक। अब समझिए कि ये है 1857 की क्रांति, अब जैसे था वैसे अब समाप्त हो गया, ठीक ना, समाप्त हो गया। अब समझिए कि इसके लिए आपको जो नंबर चल रहा है, अब समझिए कि जो कल से परसों से जो भी है क्लास, अब रेगुलर, अब समझिए कि हाईकोर्ट आर ओ आर ओ यानी कि हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की क्लास रेगुलर शुरू हो गई है। अब समझिए कि जिसको जो भी एडमिशन लेना हो, जो कुछ भी समझिए कि जानकारी लेना हो, जो नंबर चल रहा है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आज ही क्लास यहीं तक, थैंक यू।